पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसको फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980s में डेवलप किया था जब वो हमारी ही तरह स्टूडेंट थे। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टोमेटो। फ्रांसिस्को सिरिलो ने इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो इसलिए रखा था क्योंकि उनके पास एक टोमेटो सेप की क्लॉक थी। ये तो हुई इस टेक्निक के पीछे की हिस्ट्री की बात। अब आते हैं इस टेक्निक के पीछे की थियोरी में। इस टेक्निक में किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे शॉर्ट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया जाता है। इसी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को पोमोडोरोस कहा जाता है और हर इंटरवल्स के बीच एक छोटा सा ब्रेक होता है। अब बारी आती है इस टेक्निक को यूज़ करने की। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप अपना टास्क सेट करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, आप अपने टाइमर को 25 मिनट्स के लिए सेट कर लें और तब तक आप अपना काम करते रहें जब तक आपका टाइमर ऑफ नहीं हो जाता या फिर 25 मिनट्स कंप्लीट होने पर जब तक उसकी घंटी नहीं बजती। थर्ड स्टेप, आप इस 25 मिनट के पोमोडोरो में अपना फोकस अपने वर्क पर ही रखें और बार बार टाइमर को ना देखें। स्टेप फोर, और जब 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाएं, तब आप 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेक के समय अपने चेयर पर ना बैठकर अपने रूम में थोड़ा वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं या फिर सिंपली मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। टिप नंबर वन, आप इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए एक स्टॉप वॉच खरीद सकते हैं या फिर अपने फ़ोन या कंप्यूटर का स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे आसान ये होगा कि आप अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पोमोडोरो टाइमर ऐप यूज़ करता हूं। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये ऐप काफ़ी पसंद है क्योंकि इसकी इंटरफेस काफ़ी क्लियर है, पर आप दूसरे ऐप्स को भी ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर टू, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब मैं इस टेक्निक को यूज़ करता हूं, तब मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड या फिर D&D मोड पर सेट कर देता हूं, जिससे मैं ज़्यादा फोकस्ड होकर अपना काम कर पाता हूं। टिप नंबर थ्री, यूज़ इन्फॉर्म निगोशिएट कॉल बैक स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को फ्रांसिस्को सिरिलो खुद यूज़ करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। अगर आपके काम के बीच में कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई भी इंटरप्ट करने आ जाता है और अगर इससे आप अपने वर्क से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्म का यहाँ मतलब होगा कि आप उस आदमी को समझाएं कि आप अभी किसी इंपॉर्टेंट वर्क में बिजी हैं और आप उसे बीच में छोड़कर आए हैं। निगोशिएट, आप उस पर्सन को भरोसा दें कि आप अपना काम खत्म करके उसकी बात जरूर सुनेंगे या फिर उसकी हेल्प करेंगे। कॉल बैक, आप उस पर्सन को खुद बुला लें उसकी बात सुनने के लिए जब आपका पोमोडोरो खत्म हो जाए या फिर जब आप फ्री हो जाएं। इस टेक्निक को आप अपने स्टडी के लिए या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने या फिर किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकें, क्योंकि स्टडीज़ भी कहती हैं कि हमारा माइंड सिर्फ 30 मिनट तक किसी चीज़ में फुली फोकस रह सकता है, उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। मॉडिफाई दिस टेक्निक अकॉर्डिंग टू योर नीड। 25 मिनट वर्क एंड 5 मिनट ब्रेक, ये इस टेक्निक का ट्रेडिशनल मेथड है, पर आप इस टेक्निक को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 50:10 के रेशियो में यूज़ करता हूँ, मतलब 50 मिनट स्टडी 10 मिनट ब्रेक। कभी कभी ब्रेक को मैं स्किप भी कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं अभी फोकस्ड हूँ और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर एज अ बिगिनर आपके लिए ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।